should you approach to economic loss paper in the remaining days? So, बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ग्रुप वन का पेपर दिया है. अब आपका ग्रुप वन का पेपर कैसा भी गया है उसे एक बार आप साइड में रखिए. एंड नाउ योर फोकस शुड बी ऑन इकोनॉमिक लॉस. इकोनॉमिक लॉस को आप इन रिमेनिंग डेज के अंदर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ. सबसे पहले आपको हमारी मैराथॉन्स देखनी है. ओके, मैराथॉन्स 100% अमेंडेड है तो उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए. आप स्टार्ट कर सकते हैं हमारे मैराथॉन्स के थ्रू. सीक्वेंस आपका क्या रहना चाहिए वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ. सबसे पहले अपन बड़े बड़े चैप्टर्स कवर करेंगे, दैट इज आईबीसी एंड फेमा. एक बार अपने ये बड़े चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, आफ्टर दैट यू शुड डू सम स्मॉल चैप्टर्स लाइक रेरा एंड देन कॉम्पिटिशन है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेरा एंड कॉम्पिटिशन यू शुड फोकस ऑन PMLA एंड बेनामी. नाउ दीज टू पर्टिकुलर चैप्टर्स आर वेरी मच इंटरकनेक्टेड, शुड डू दैम टूगेदर ओनली. ओके, आफ्टर दैट योर रिमेनिंग वन चैप्टर दैट इज सफाइसी एक्ट आप कंप्लीट कर लीजिएगा. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द चैप्टर्स विद द हेल्प ऑफ द मैराथन यू शुड गिव अ थॉरो रीडिंग ऑफ द स्टडी मटीरियल. नाउ स्टडी मटीरियल को रीड करते टाइम आप बहुत सारी मार्किंग्स वहाँ पे करिए, बहुत सारे चार्ट्स वगैरह आप बनाइए. विद द हेल्प ऑफ मैराथन्स भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. तो स्टडी मटीरियल का एक बार रीड करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपके पास में टाइम है तो एक दो बार, मतलब अगर आपने एक बार पहले भी रीड कर रखा है तो एक बार और रीड कर लेना. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर रीडिंग विद द स्टडी मटीरियल यू शुड फोकस नाउ ऑन केस लॉस. केस लॉस की भी वीडियो मैंने डाल रखी है, कंप्लीट योर केस लॉस विद हेल्प ऑफ दैट. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर केस लॉस यू शुड फोकस नाउ ऑन केस स्टडी डाइजेस्ट. केस स्टडी डाइजेस्ट के अंदर बहुत सारी 55 केस स्टडीज हैं, उसका लिए हमारा सेपरेट कोर्स भी है. इफ़ यू आर एनरोल्ड विद अ कोर्स तो आप उस कोर्स को देख देख के साथ साथ में अपना केस स्टडी डाइजेस्ट को कवर करिए. केस स्टडी डाइजेस्ट को कवर करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि वैसे ही केस स्टडीज जो है आपके एग्जाम्स के अंदर आती हैं तो उससे आपको आइडिया लगेगा दैट वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर्स एंड साथ साथ आप क्या उसको कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. अगर वैसा का वैसा कोई केस आ गया तो तब तो अपने को वैसे कॉपी पेस्ट ही करना होता है, लेकिन अगर एज अ न्यू केस स्टडी आ गया तो क्या आप उसे अप्रोच कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ योर स्टडी मटीरियल. तो केस स्टडी डाइजेस्ट को प्रैक्टिस करना भी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो आई विल रिपीट माई सेल्फ द सीक्वेंस. फर्स्ट यू शुड कवर द मैराथन्स. आफ्टर कवरिंग ऑफ द मैराथन्स यू शुड डू द स्टडी मटीरियल रीडिंग. आफ्टर स्टडी मटीरियल फोकस ऑन केस लॉस एंड देन द केस स्टडी डाइजेस्ट. नाउ some very much important thing is that take all the materials with you. Material list already been provided on our Telegram channel. See that आप सारा material लेके जाएं and also see that whether you know exactly that how to use that material into the examination. Material को कैसे use करना है उसके लिए मैं एक separate video जल्द ही बनाने वाली हूँ. Okay guys, apart from that if anything needed from my side you can always comment down below. सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इकोनॉमिक लॉस को लेकर. नाउ वेरी मच ऑल द बेस्ट गाइस. अगर कोई न्यू केस स्टडी आपकर आपके पास में आती है तो सारे कंपाइलर्स वगैरह को साइड में रखना एंड फोकस ओनली ऑन योर स्टडी मटेरियल. ओके, ऑल द बेस्ट गाइस.